हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS वेल्डर सीट्स इन NSTI कॉलेजेस। किस NSTI कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल है वेल्डर ट्रेड के लिए, उसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। इससे पहले की दो वीडियोज़ हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन और आपके फिटर ट्रेड के लिए किस NSTI कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं उसका वीडियो हमने बनाया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस NSTI कॉलेज में वेल्डर के लिए सीटें अवेलेबल है। NSTI कॉलेजेस के साथ साथ हम यहां पर ITOT कॉलेज में किस ITOT कॉलेज में वेल्डर की सीटें अवेलेबल है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ प्लम्बर ट्रेड में कितनी सीटें अवेलेबल है NSTI और ITOT कॉलेज में उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये चीज़ें आपको कब हेल्प करेंगे, जब आप काउंसलिंग प्रोसेस, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा देन उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इसमें आप कॉलेजेस चॉइस करने होंगे, 5 कॉलेजेस चॉइस करने होंगे, तब आपको ये वीडियो हेल्प करेगी कि आपको पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में हमारे ट्रेड के लिए सीट अवेलेबल है। तो छोटी वीडियो बहुत छोटी होने वाली है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको आगे के प्रोसेस में, तो ध्यान से देखिएगा वो वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसी ही CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो कॉलेज है NSTI चेन्नई, यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट है टोटल वेल्डर ट्रेड की, तो यहाँ पर 75 सीट अवेलेबल है। NSTI कालीकट में 25 सीट अवेलेबल है। NSTI भुवनेश्वर में 25 सीट अवेलेबल है। NSTI वी हैदराबाद में टोटल 50 सीट अवेलेबल है वेल्डर ट्रेड के लिए। NSTI जोधपुर में जो है टोटल नंबर ऑफ सीट 50 अवेलेबल है। NSTI लुधियाना में टोटल नंबर ऑफ सीट 50 अवेलेबल है। NSTI हल्द्वानी में वेल्डर ट्रेड के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। NSTI मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 50 सीट अवेलेबल है। फिर NSTI देहरादून और NSTI आर हैदराबाद में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है वेल्डर ट्रेड के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर NSTI हावड़ा की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट 50 है। NSTI कानपुर में टोटल नंबर ऑफ सीट 75 है। NSTI जमशेदपुर में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। NSTI बेंगलुरु में 75 सीट अवेलेबल है वेल्डर ट्रेड के लिए। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें NSTI कॉलेज में वेल्डर ट्रेड के लिए तो 525 सीटें अवेलेबल है ट्रेड की NSTI कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया में। अब हम बात कर लेते हैं ITOT और प्राइवेट कॉलेज की, स्टेट गवर्नमेंट की ITOT और प्राइवेट कॉलेज ITOT की, कि वहाँ पर कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो भोपाल ITOT ये स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 100 सीटें अवेलेबल हैं भोपाल ITOT कॉलेज में वेल्डर ट्रेड के लिए। SDM प्राइवेट ITOT हिसार की बात करें, ये एक प्राइवेट ITOT है। प्राइवेट ITOT को मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पर आपको एक साल का जो कोर्स है CITS का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फीस लग जाएगी। जहाँ पर आपका एक साल का कोर्स 5 से 6 हज़ार में जो है आपका एक साल का ये कोर्स कंप्लीट हो सकता है NSTI कॉलेज में करने से, वहीं पर आपको जब ITOT स्टेट गवर्नमेंट का ITOT से करेंगे तो यहाँ पर 30 से 35 हज़ार रुपये आपको खर्च पड़ जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें प्राइवेट ITOT से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर 45 से 50 हज़ार रुपये आपको फ़ीस लग जाएगी प्राइवेट ITOT से करने पर। तो यहाँ पर SDM प्राइवेट ITOT हिसार में जो है वहाँ पर 80 सीटें अवेलेबल हैं। शिवालिक प्राइवेट ITOT पटियाला में 80 सीटें अवेलेबल हैं। खट्टू जी प्राइवेट ITOT फजीलका में जो है 80 सीटें अवेलेबल है। और SR प्राइवेट ITOT अम्बाला में भी 80 सीटें अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ITOT दादाशिव कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ सीट वेल्डर ट्रेड के लिए 25 अवेलेबल है। यानी जो हमारे प्राइवेट ITOT और स्टेट गवर्नमेंट के ITOT हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट मिलाकर देखें तो 157 सीटें अवेलेबल हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट ITOT में। ठीक है, तो ये रही आपकी वेल्डर ट्रेड की जानकारी। अब हम आगे प्लम्बर ट्रेड के लिए देखेंगे कि किस ट्रेड में कितनी सीटें अवेलेबल हैं किस कॉलेज में। ठीक है,
प्लम्बर ट्रेड की यहाँ पर बात करें तो एक ही NSTI कॉलेज है जहाँ पर प्लम्बर ट्रेड के लिए सीट अवेलेबल है, बाकी किसी भी NSTI कॉलेज में प्लम्बर के लिए कोई भी सीट अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। आगे आपका जो है अगर सीटों में कोई चेंजेस आता है तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगी, लेकिन अभी के लिए जो सिर्फ चेन्नई में 100 सीटें अवेलेबल हैं प्लम्बर ट्रेड के लिए। शिवालिक प्राइवेट ITOT पटियाला में जो है ये आपकी प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पर 80 सीट अवेलेबल है, और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो ITOT है वहाँ पर प्लम्बर ट्रेड के लिए अभी के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। SR प्राइवेट ITOT है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट 80 है, यानी NSTI चेन्नई ही एक ऐसा सीट है जहाँ कॉलेज है जहाँ पर आपको प्लम्बर ट्रेड के लिए 100 सीट्स मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइट करना होगा कि आपको NSTI चेन्नई मिल जाए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें प्लम्बर ट्रेड की तो 260 सीट यहाँ पर अवेलेबल है, प्लम्बर के लिए बहुत ही कम सीट अवेलेबल है किसी भी कॉलेज में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।